चलो दोस्तों, आज के सेशन की जो शुरुआत करते हैं हम बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता कौन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। ये क्वेश्चन हरियाणा एचसीएस में पूछा गया है। और जनरली तौर पर हम जो चीज़ों को रीड करते हैं वो हम सीरीज वाइज करते हैं। सीरियल में चीज़ों को हम रीड करते हैं, सीरीज में हम चीज़ों को रीड करते हैं। तो हमारे को थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा एग्जाम के लिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता कौन है। तो बात करेंगे, एक बार मैं इनको उत्तर बता देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नारोजी, रहीमतुल्ला सैनी और सर विलियम बैटरफर। तो ये भी दो बार बने हैं, ये भी दो बार बने हैं, ये दो से अधिक बार बने हैं, ये भी दो बार बने हैं, ये सिर्फ एक बार बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी और ई। ए बी सी और ई। तो अब मैं इसको लेके चलता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, रहीमतुल्ला सियानी की बात करूँ, रहीमतुल्ला जो सियानी थे वो हमारे 1896 में कलकत्ता के मेयर अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और इसके टाइम पीरियड पे पहली बार वंदे मातरम। अगर आप इस नाम को और देख ले हम सर विलियम वेटरबर्न के बारे में, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष का क्या नाम था। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज यून। पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज यून, जो कि 1888 में इलाहाबाद में बना था। जॉर्ज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यून। तो ये फिर 1889 में बंबई में दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बने। तो मोटे तौर पे हम मैं बात करूँ यहाँ पे दादा भाई नारोजी के बारे में बताऊँ, तो दादा भाई नारोजी की जो मेनली बात करें, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे स्वराज्य शब्द का यूज किया गया था। स्वराज्य शब्द का यूज किया गया था। अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू सी बनर्जी की, तो डब्ल्यू सी बनर्जी हमारे 1885 में बम्बई में पहले अध्यक्ष थे और उस टाइम पे कांग्रेस के बेहतर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता कौन से थे। तो हम मैं बात करूँगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी दो बार बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी दो बार बना था। पहले अध्यक्ष थे ये 1885 में बम्बई में, ये पहले अध्यक्ष थे, बेहतर कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यहाँ पे। दादा भाई नारोजी दो से अधिक बार बन चुके हैं। इसके एक इम्पोर्टेंट इवेंट 1906 में कलकत्ता में स्वराज्य शब्द का यूज किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि स्वराज्य शब्द का यूज पहली बार कब किया गया था। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उस अध्यक्ष के नाम थे, उस अध्यक्ष का नाम था दादा भाई नारोजी। अगर मैं बात करूँ रहीमतुल्ला सियानी के बारे में, रहीमतुल्ला सियानी 1896 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने थे और इसके टाइम पीरियड पे वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 में। किसके अध्यक्ष, कौन था उस समय अध्यक्ष
रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा। अब बात करते हैं सर विलियम वेडरबर्न। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, फिर 1889 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। तो हमारा इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।